नारियल पे चढ़ने वाला मशीन। विष्णुपुर नाम के एक गांव में सुधाकर नाम का एक बड़ा नारियल का व्यापारी था। उसका एक बड़ा सा नारियल का खेत भी था। वह हर साल नारियल को बेचकर बहुत ही अच्छा पैसा कमाता था। इस साल भी उसके खेत में बहुत अच्छा नारियल का फसल हुआ, लेकिन इस साल लॉकडाउन की वजह से नारियल को नीचे लाने वाले कूली नहीं मिल रहे थे। सारे लोग उनके गांव को चले गए थे। उस गांव में सिर्फ एक ही नारियल तोड़ने वाला था, जिसका नाम दीपक था। तभी सुधाकर जाकर दीपक से बात करता है। दीपक भाई, क्या तुम मेरे खेत में नारियल उतारने का काम कर सकते हो? आजकल नारियल की महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। अरे नहीं सेठ जी, मेरा तो कल सूरज सेठ के यहाँ काम है। आप बोलो तो एक हफ्ते के बाद आपका काम करता हूँ। मैं तब तक बहुत बिजी हूँ। अरे बाप रे, एक हफ्ता? ऐसा करेंगे तो सारा नारियल खराब हो जाएंगे। देखिए सेठ जी, आप मुझे एक नारियल के लिए 10 रुपए देंगे तो मैं तैयार हूँ। मुझे मालूम है कि एक नारियल शहर में 50 रुपए में बिकती है। क्या पागल हो गए क्या? 10 रुपए? तुम बहुत लालची हो चुके हो। काम करने वाला कोई नहीं, इसीलिए तुम उसका फायदा उठा रहे हो ना? आप जो कुछ भी समझो, आपकी मर्जी। नहीं तो एक काम कीजिए, आप ही चढ़कर नारियल तोड़ दो। दीपक को ऐसी बात करते हुए देख सुधाकर वहां से चला जाता है। अगले दिन सुधाकर खुद ही नारियल पेड़ चढ़कर ऊपर तक पहुंच जाता है, लेकिन नारियल तोड़ते वक्त उसका हाथ फिसलकर वह नारियल के साथ नीचे गिर जाता है और उसके कमर में चोट लगती है। तभी शहर से एक डॉक्टर आकर चेकअप करके दवाइयां देती है। तभी डॉक्टर ने ऐसी बोली, सुनिए, आपको और बहादुरी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नारियल तोड़ना है तो शहर में एक नया मशीन आया हुआ है, जिससे आप आसानी से पेड़ चढ़ सकते हैं और नारियल तोड़ सकते हैं। ठीक है डॉक्टर जी, ऐसा ही करूँगा। अगले ही दिन सुधाकर वह मशीन शहर से मंगवाता है। वह मशीन को गाड़ी जैसे पहिए थे और आसानी से एक आदमी बैठकर पेड़ चढ़ सकता है। ऐसा ही सुधाकर उस मशीन पे बैठकर पेड़ चढ़कर नारियल तोड़ने लगता है और आसानी से एक ट्रैक्टर लोड की नारियल तोड़ देता है। ये बात दीपक देख लेता है और ऐसा बोलता है, अरे सेठ जी, आप क्यों मेरे कमाई पे लात मार रहे हो? अगर सारे लोग इस मशीन को देखेंगे तो मुझे खाने के लिए पैसे भी नहीं मिलेंगे। मुझे उस दिन के लिए क्षमा कर लो, अब मुझे सबक मिल गया है। आप बोलो तो मैं ही इस मशीन पर चढ़कर आपको नारियल तोड़ के दूंगा, बस एक रोज की कमाई दे देना। अब आए हो रस्ते में, अब नाटक बंद करो और सबको सस्ते में नारियल तोड़ के देना, खबरदार। तब से सुधाकर ने जैसा बोला ऐसा ही काम करने लगा। विशाल चिकन दौड़ चैलेंज। बहुत दिन पहले महाकाय करके एक गांव था। उस गांव में कुछ लोग के पास विशाल मुर्गियां थी। वह मुर्गियां जमाने से उसी मालिक के पास रहा करते थे। हर साल उन विशाल मुर्गियों पर एक चिकन रेस का आयोजन करते थे। जो भी उस रेस में जीतेगा उसके मालिक को गांव का प्रेसिडेंट बना दिया जाता था। एक दिन रेस का ऐलान हो रहा था। सुनो भाई लोग, कल रविवार को रेस का आयोजन हो रहा है। जो भी भाग लेने वाले हो अभी आकर रजिस्टर कर लेना। तभी एक आदमी रंजित वहां पर अपना नाम रजिस्टर करने के लिए आता है। मेरा भी नाम लिख दो भाई, इस साल में भी इस रेस में भाग लूंगा। उधर ही बेटा उस गांव का प्रेसिडेंट आकर ऐसा बोला, क्यों रे रंजित, बहुत चर्बी चढ़ गई है, तुम हमारे मुकाबले करोगे क्या? मेरे बेटे से पंगा लेगा तू। अरे क्यों नहीं साहब, हम ऐसे ही रह जाएंगे क्या? हमको भी मौका दो प्रेसिडेंट बनने का। तू क्या प्रेसिडेंट बनेगा रे, तुम लोगों का काम हमको सेवा करना है, देखते हैं कौन जीतेगा। ऐसा बोलकर प्रेसिडेंट वहां से चला जाता है, लेकिन दुर्बुद्धि के साथ एक प्लान भी बनाता है।
उसी दिन की रात को प्रेसिडेंट कुछ लोगों को बेचकर रंजीत की विशाल मुर्गी को मारने के लिए बोलता है। फिर प्रेसिडेंट के आदमी जाकर रंजीत की विशाल मुर्गियों को बड़े चाकू से मार देते हैं। अगले दिन की सुबह, अरे किसने किया है यह काम, कैसे मार दिया मेरे मुर्गी को, अब मैं रेस में कैसे भाग लूंगा और जीतूंगा क्या। ऐसा सोचकर उदास घर के बाहर बैठा रहा। तभी प्रेसिडेंट की बेटी सीमा अपने विशाल मुर्गी के ऊपर बैठकर वहां से गुजरने लगी। उदास रंजीत को देखकर उसने ऐसा पूछी, अरे क्या हुआ रंजीत, तुम इतने उदास क्यों हो। कुछ नहीं सीमा, तुम्हें मालूम नहीं है आज मुर्गियों का रेस है। मैंने सब तैयारियां करके रखा था, लेकिन कल रात को किसी ने मेरा मुर्गी को मार डाला, अब मैं क्या करूं। अरे तुम घबराओ मत, तुम मेरे मुर्गी को लेके जाओ, मैंने भी इसको रेस के लिए ही तैयार किया है, तुम जरूर जीतोगे। तब रंजीत सीमा की मुर्गी को लेकर मुकाबले में चला जाता है। वहां पर सब लोग अपने अपने मुर्गियों पर बैठे तैयार हो गए। जैसे ही मुकाबले का अनाउंसमेंट होने ही वाला था, तभी रंजीत अपने मुर्गी पर बैठकर वहां पर पहुंच जाता है। प्रेसिडेंट और उसका बेटा रंजीत को देखकर चौंक जाते हैं। सब लोग लाइन में आकर मुर्गियों के साथ खड़े हो जाते हैं और रेस शुरू हो जाता है। सब मुर्गी तेजी से भागने लगे। तभी प्रेसिडेंट, अरे रेस में सब लोगों को मैनेज कर लिया है, लेकिन इस रंजीत का क्या करें। इतने में रंजीत की मुर्गी तेजी से दौड़कर प्रेसिडेंट की बेटे की मुर्गी को पीछे छोड़कर रेस जीत जाता है। सब लोग रंजीत प्रेसिडेंट करके चिल्लाने लगते हैं। रंजीत की जीत देखकर प्रेसिडेंट और उसका बेटा मुंह छुपाकर भाग जाते हैं। किशनलाल की चांदपुर में एक कार वर्कशॉप थी। वो बहुत ही कुशल कार मैकेनिक था। जैसी भी बिगड़ी हुई कार हो, वो उसे मिनटों में ठीक कर देता था। आसपास के गांवों से भी लोग उसके पास अपनी कारें ठीक करवाने आया करते थे। किशनलाल की दुकान पर कारों की लंबी लाइन लग जाया करती थी। किशनलाल ने अपनी सहायता के लिए 4-5 कुशल मैकेनिकों को रखा हुआ था। अरे छोटू, क्या हुआ है उस गाड़ी में, अभी तक ठीक क्यों नहीं हुई। बस उस्ताद, 5 मिनट का समय दीजिए, अभी ठीक कर देता हूँ, उसका प्लग लगाना है। हाँ छोटू, जल्दी से इस गाड़ी को निकालो, देखो और गाड़ियाँ भी लाइन में लगी हैं। एक दिन तो किशनलाल की वर्कशॉप और उसके बाहर गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह ही नहीं बची। यह देखकर उसके आस पड़ोस के दुकान वाले उसे बोलने लगे, अरे भाई किशनलाल, गाड़ियाँ उतनी ही मंगाया करो जितनी ठीक कर सको, सारी जगह तुम्हारी गाड़ियाँ घेर लेंगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे। भाई साहब मैं क्या करूँ, लोग गाड़ियाँ लेकर आ जाते हैं तो उन्हें ठीक करना ही पड़ेगा ना, मैं उन्हें मना तो नहीं कर सकता। भाई बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन उपाय भी तो तुम्हें ही ढूंढना पड़ेगा ना। किशनलाल काम से थका हारा रात को घर आता है और अपनी दुकान के आगे लगने वाली भीड़ के बारे में सोचने लगता है। किशनलाल को चिंता में देखकर उसकी पत्नी पूछती है, क्या बात है जी, क्यों परेशान हो। अरे क्या करूं भगवान, काम ही इतना है, दुकान के अंदर और बाहर गाड़ियां खड़ी करने की जगह ही नहीं है, अब तो पास पड़ोस के दुकान वाले भी झगड़ने लगे हैं, ग्राहकों को मना भी तो नहीं कर सकता ना। किशनलाल की पत्नी कुछ सोचकर उससे कहती है, अरे तो इसमें परेशानी की क्या बात है, आप भूमिगत दुकान क्यों नहीं खोल लेते जैसी शहरों में होती हैं? जरा सोचो कितना दिमाग की बात है ना, हमारे पास तो जगह है, जमीन है, हमें कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं, समझदारी से काम लो और भूमिगत दुकान खोल लो। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, मैं कल ही भूमिगत दुकान बनवाता हूँ। अगले ही दिन से किशनलाल भूमिगत कार वर्कशॉप का काम शुरू कर देता है और एक हफ्ते के अंदर उसकी भूमिगत कार वर्कशॉप बनकर तैयार हो जाती है। अब किशनलाल के पास जगह की कमी नहीं होती। भूमिगत कार वर्कशॉप खोलने के बाद किशनलाल का काम दोगुना हो गया और उसके पास पड़ोसी भी खुश हो गए। उस्ताद दुकान में जगह नहीं है, गाड़ी को कहाँ भेजूं। अरे छोटू भेज दे भूमिगत कार वर्कशॉप में, अब तो अपने पास नीचे भी जगह है ना। साइकिल वाली वाटर बोट। सेलपुर नामक गांव में मुनीश नाम का एक नाव चलाने वाला रहता था। वो बहुत ही चालाक था।
सेलपुर गांव में स्कूल ना होने की वजह से बच्चों को पढ़ाई करने के लिए नदी पार के गांव मेलपुर में जाना पड़ता था। उसके लिए उन्हें मुनीश की नाव में बैठकर ही जाना पड़ता था, क्योंकि उस गांव में मुनीश की ही नाव थी। मुनीश इस बात का नाजायज फायदा उठाता था। चलो चलो जल्दी करो, नहीं तो तुम्हें छोड़कर ही यहाँ से चला जाऊँगा, और फिर तुम लोग स्कूल कैसे जाओगे? और हाँ, कल अपने माँ बाप से पैसे जरूर ले आना। क्या अंकल, आप हमेशा पैसे मांगते रहते हो और हमें तंग करते रहते हो। उसी गांव के रहने वाले चिंटू और मोहन एक ही क्लास में पढ़ते थे। चिंटू बहुत ही होशियार था और मोहन बेवकूफ। चिंटू हमेशा क्लास में प्रथम आता था और उसकी सभी तारीफ करते थे, और दूसरी तरफ मोहन को हमेशा डांट ही पड़ती रहती थी, इसलिए मोहन चिंटू से बहुत जलता था। ये चिंटू की तो सभी लोग तारीफ करते हैं और मुझे हमेशा सब लोग मारते रहते हैं, डांटते रहते हैं, कुछ करना पड़ेगा इस चिंटू का। चिंटू और मोहन की वार्षिक परीक्षा आ गई थी। पहले पेपर के दिन जब दोनों स्कूल जाने के लिए बोर्ड के पास पहुंचते हैं तो मुनीश चिंटू से कहता है, अरे चिंटू उतरो नीचे, नाव भर गई है, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। लेकिन अंकल मेरा तो आज पेपर है, मैं फेल हो जाऊंगा। अरे मुझे नहीं पता फेल हो या पास, चलो उतरो नीचे। और मुनीश चिंटू को वहीं छोड़कर नाव ले जाता है। लेकिन शाम को चिंटू मोहन को मुनीश को पैसे देते हुए देखता है। ये लो अंकल अपने पैसे, आपने अच्छा किया चिंटू को उतार दिया, कल भी आप उसको ऐसे ही उतार देना, जब वो दो पेपर नहीं देगा तो फेल हो जाएगा, बड़ा मजा आएगा। चिंटू समझ जाता है कि ये मोहन की ही चाल है उसे नीचा दिखाने की। अगले दिन सुबह जब सभी बच्चे स्कूल जाने के लिए नाव के पास आते हैं तभी चिंटू भी वहाँ आता है और मुनीश उससे कहता है, अरे चिंटू बेटा आज भी नाव भर गई है, नीचे उतरो। अंकल मुझे आपकी नाव में नहीं जाना है, देखो मैंने अपनी खुद की नाव बनाई है, मेरी साइकिल से चलने वाली। तभी चिंटू अपनी साइकिल बोट में सवार होकर नदी पार कर लेता है और सबसे पहले जाकर स्कूल पहुंच जाता है। उसकी साइकिल बोट देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। इधर मोहन बहुत शर्मिंदा होता है और वो चिंटू से माफ़ी मांगता है। अरे कोई बात नहीं मोहन, मैं कहता हूँ तुम भी मेहनत करो, तुम भी अव्वल आ सकते हो। अब चिंटू और मोहन दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और दोनों इकट्ठे ही साइकिल बोट में बैठकर स्कूल जाते हैं, और चिंटू क्लास में प्रथम आता है और मोहन द्वितीय आ जाता है। देखा मोहन, मैं ना कहता था मेहनत करोगे तो जरूर पास हो जाओगे।